इस लेसन में हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट पार्ट, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली बॉडी का कंट्रोल दो सिस्टम्स के हाथ में है, एक नर्वस सिस्टम और एक हमारा एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये दोनों सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एक ऑर्गन से और कुछ हार्मोन से। जैसे कि ऑर्गन जो इन दोनों सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, वो ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, और वो हार्मोन्स हैं मेडुलरी एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर ये याद रखिए इंटरकनेक्टिंग ऑर्गन जो है वो है हाइपोथैलेमस। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है बॉडी में, जिसके अंदर की सारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूडेड हैं, उनके हॉर्मोन्स और साथ में उसके मोड ऑफ एक्शन भी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स जैसे कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली वीनस ब्लड में पोर किए जाते हैं। इनके अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, या तो ये वीनस ब्लड में या फिर लिम्फ किसी में भी डायरेक्टली सिक्रीट कर दिया जाता है इन्हें, और ये फिर टारगेट ऑर्गन रीच करके वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होता है वहाँ पे जाके ये लेते हैं। तो इनके अंदर कोई क्योंकि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है, बट डिफरेंस मेन यही होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। उसके बाद आप हॉर्मोन्स देखेंगे तो हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर या इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, और बहुत ही ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में ही प्रोड्यूस होते हैं। द फर्स्ट हार्मोन जिसे डिस्कवर किया गया था उसका नाम है सिक्रीटिन, और जो आइसोलेट फर्स्ट हार्मोन किया गया था उसे कहते हैं इंसुलिन। अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हार्मोन्स के, तो सबसे फर्स्ट आती है इनका मॉलिकुलर वेट लो होता है, और ये लो कंसंट्रेशन में भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो मतलब इनका ये बहुत कंसंट्रेट होते हैं, एक्चुअली कंसंट्रेशन की वजह से इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये एनर्जी बिल्डिंग मटीरियल्स या फिर बॉडी बिल्डिंग मटीरियल्स नहीं होते, ना ही इनका ग्रोथ पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इनफैक्ट कुछ हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग थ्रू ये ग्रोथ पर डिफ्रेंसिएशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी पे ये असर करते हैं। उसके बाद इनका काम होता है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये एक्सेलरेट या फिर इनहिबिट करते हैं। इन एक्टिव फॉर्म्स में जैसे कि प्री प्रो हॉर्मोन्स या प्रो हॉर्मोन्स के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होते हैं, और इनके एक्सेस या डेफिशिएंसी से बॉडी में डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो ये हो गई हॉर्मोन्स की बात। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेसिकली हॉर्मोन्स चार तरह के होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स, या फिर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। तो अमीनो एसिड हॉर्मोन्स में नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेरॉइड हॉर्मोन्स में आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ऑर्गोनोइडल हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन और प्लेजेंटल एस्ट्राडियोल, ये भी एक स्टेरॉइड हॉर्मोन ही है। उसके बाद आप पेप्टाइड हॉर्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें दो ही हॉर्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये दोनों सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अभी हम इसके बाद इस लेसन के बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हॉर्मोन्स में आप देखेंगे तो इसमें आते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे कि एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स, और थायरोक्सिन यानी कि थायरॉइड के हॉर्मोन्स भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, टायरोसिन से ही डिराइव होते हैं। और इन सबको छोड़कर ये एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स और ये थायरॉइड हॉर्मोन्स और ये गोनाइडल हॉर्मोन्स, इन सबको छोड़ के जितने भी हॉर्मोन्स बचते हैं वो सब आते हैं प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स में। ये हो गई हॉर्मोन्स के टाइप्स की बात। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है होम्योस्टेसिस में। बेसिकली होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना या उसे कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट फिजियोलॉजी पे मेंटेन करके रखना। तो ये हॉर्मोन्स का यही काम होता है कि ये हॉर्मोन्स के बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली एक हॉर्मोन का सिक्रीशन दूसरे फैक्टर्स या हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जिसे बोलते हैं कि फीडबैक कंट्रोल। ये फीडबैक कंट्रोल पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है या नेगेटिव कंट्रोल या नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी हो सकता है। अब आप मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें तो बेसिकली हॉर्मोन्स, ज़्यादातर हॉर्मोन्स या तो स्टेरॉइड बेस्ड हैं या अमीनो एसिड बेस्ड हैं। तो हॉर्मोन्स टारगेट सेल्स की सेलुलर एक्टिविटीज़ को या तो स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं, और इसी इसी एक्शन के थ्रू ये सेल की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं।
एक टारगेट सेल हार्मोन की वो रिस्पॉन्ड कर पाता है क्योंकि उसके मेम्ब्रेन में या फिर सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये रिसेप्टर्स या तो मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं सरफेस ऑफ सेल या फिर विद इन द सेल दैट इज विद इन द साइटोप्लाज्म. तो अगर वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो जनरली इट इज अ स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स ही होते हैं जो कि लिपोफिलिक होते हैं. दैट इज लिपोफिलिक मतलब सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके अंदर जा सकते हैं और अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली वही हॉर्मोन्स जो लिपोफिलिक हैं वो ही मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं. तो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स और थायराइड हॉर्मोन्स इसका एग्जाम्पल है. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होकर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से रिएक्ट करके जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है या न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करके, जिसे कहते हैं हॉर्मोन. और उसके बाद एक डीएनए पर हॉर्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट HRE बनता है और इसकी वजह से स्पेसिफिक जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है. इस हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या HRE के रिएक्शन की वजह से इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन ऑफ RNA सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है बेसिकली DNA का, जिससे कि RNA बनता है और इस RNA से प्रोटीन बनता है. और वही प्रोटीन जो होता है वो जो भी हॉर्मोन का एक्शन है उसमें वो हेल्प करता है. तो ये हो गई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स की बात. अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. कुछ रिसेप्टर्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि सेल सरफेस पर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड करके और कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स का रिलीज ये कॉज करते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स. एग्जाम्पल्स आप इनके देखें तो वो हैं कैल्शियम आयन्स या CAMP. तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स ये फॉर्म होते हैं ये इनका काम होता है बायोकेमिकल फंक्शंस परफॉर्म करना. तो इसमें क्या हुआ, हॉर्मोन्स जो हैं वो फर्स्ट मैसेंजर हुए और ये जो सेकेंड मैसेंजर्स हैं ये जनरली CAMP, जैसे कि ये काम करता है ACTH, FSH, LH, PTH, ग्लूकागॉन और कैल्सिटोनिन के केस में. बाकी कुछ केसेस में कैल्शियम या फिर फॉस्फोर्टी डिनोसिटॉल भी ये एज अ सेकेंड मैसेंजर ये काम करता है. ये काम करता है TRH, GNRH, गैस्ट्रिन और CCK के केस में. CCK इज कोलेसिस्टोकाइनिन. ये हो गई मोड ऑफ एक्शन की बात. अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की. तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस फर्स्ट, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बॉटम में एक छोटा सा ग्लैंड जिसे बोलते हैं पाइनल ग्लैंड, उसके बाद नेक में थायरॉयड और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, उसके बाद थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के डॉर्सल साइड पर, एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड क्योंकि ये दोनों किडनीज के टॉप पर प्रेजेंट हैं, उसके बाद आते पैंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी. ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अपार्ट इन सब के अलावा GIT, लिवर, किडनी और हार्ट ये भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये भी कुछ एंडोक्राइन फंक्शन ये भी परफॉर्म करते हैं. तो ये हो गई हमारा इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन का. इसके नेक्स्ट लेसन में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे. थैंक यू.